أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول معصوم أسلت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. उनकी विरासत मक्का में है और उनकी शहादत मदीने में है. दूसरे मासूम हजरत बीबी फातिमा, उनकी विरासत मक्का में है और उनकी शहादत जन्नत बकरी में हुई. तीसरे मासूम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम, उनकी विरासत काबा में हुई और उनकी शहादत नजफ अशरफ में हुई. चौथे मासूम हजरत हसन अलैहिस्सलाम, उनकी विरासत मदीना में ही, उनकी शहादत जन्नत बकरी में हुई. पांचवें मासूम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनकी विरासत मदीना में ही और उनकी शहादत कर्बला में हुई. छठवें मासूम हजरत जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, उनकी विरासत मदीना में ही और उनकी शहादत जन्नत बकरी में हुई. सातवें मासूम हजरत मूसा काज़ मोहम्मद बकर अलैहिस्सलाम, उनकी विरासत मदीना में ही और उनकी शहादत जन्नत बकरी में हुई. आठवें मासूम हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उनकी विरासत मदीना में ही और उनकी शहादत जन्नत बकरी में हुई. नौवें मासूम हजरत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, उनकी विरासत मदीने में ही, उनकी शहादत काज़िम में हुई. दसवें मासूम हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, उनकी विरासत मदीने में ही, उनकी शहादत मशहद में हुई. ग्यारहवें मासूम हजरत मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, उनकी विरासत मदीने में ही और उनकी शहादत जन्नतुल काज़िमैन में हुई. बारहवें मासूम हजरत अली नक़ी अलैहिस्सलाम, उनकी विरासत मदीने में ही और उनकी शहादत सामला में हुई. तेरहवें मासूम हजरत हसन अल अस्कली अलैहिस्सलाम, उनकी विरासत मदीना में ही और उनकी शहादत सामला में हुई. चौदहवें मासूम हसन माम मेहदी अकबरुज़्ज़मान जो आने वाला बरकतान पलदखर में, उनकी विरासत सामला में हुई. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला